हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ जर्नी ऑफ फूड। दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ खास चिकन लवर्स होते हैं और ऐसे ही खास चिकन लवर्स के लिए आज की डिश मानो एक वरदान जैसी है। ये डिश आपको बहुत सारे फ्लेवर्स में भी मिलेगी, जैसे स्पाइसी हो, स्मोकी हो या फिर कोई और स्वाद। लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन में हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें, तो चलिए फटाफट इसे ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं KSBP गार्डन के पास, शिवाजी यूनिवर्सिटी रोड पर स्कूटर पर बने अंबिस हॉट एंड ग्रिल बारबेक्यू नेशन पर। तो चलो ट्राई करते हैं गर्मा गर्म चिकन बारबेक्यू। इट्स ऑसम। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, आपको बारे है एक बार जरूर ट्राई करो। तो चलिए जानते हैं इस फूड के पीछे की जर्नी अर्जुन अंबिजी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके इस फूड स्टॉल की शुरुआत कैसे हुई और आपको शुरुआत में कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैं बुलेट शोरूम में पहले काम किया करता था, कोल्हापुर में। उसका मैं 12 साल काम किया उधर। उसमें बुलेट शोरूम में था, तब मेरा गोवा आना जाना इवेंट के लिए रहता था। 2017 में मैंने उधर एक बुलेट बारबेक्यू का कंसेप्ट देखा था। मैंने तभी ठान लिया था कि मैंने ऐसा ही कुछ कंसेप्ट मेरे गांव में लेके जाने का। हाँ, मैंने वो डिसाइड किया और मैंने मेरा एक पार्टनर भी ले लिया उसमें, वो भी मेरा फ्रेंड था। अभी मैं तो शुरुआत की है कोल्हापुर में वो फ्रेंचाइजी लेके, किस कारण हमारी पार्टनरशिप तो डील हो गई। उस बाद में मेरे दिमाग में आया कि हम इसके अलग भी कुछ नया कर सकते हैं, तो मैंने स्कूटर बारबेक्यू चुना। तो स्कूटर पे हम लोग शुरू किया। सर, खाने में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपने यही डिश क्यों चुनी? कुछ तो मुझे लोगों को कुछ तो अलग नया खिलाना था, इसलिए मैंने ये डिश चुनी। तो सर, आपको क्या लगता है आपकी ये डिश लोगों में इतनी पॉपुलर क्यों बनी? टेस्ट की वजह से, बाकी कुछ भी नहीं। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये डिश बाहर भी बहुत जगहों पर मिलती है, लेकिन आप इसमें कौन से मैजिकल इंग्रेडिएंट्स डालते हो जिससे ये इतनी टेस्टी बनती है? इसमें हमारा सीक्रेट मसाला डाल के हम 6 घंटे मैरिनेट करके रखते हैं। 6 घंटे मैरिनेट करने की वजह से वो अच्छी तरह से घुल मिल जाता है और ये टेस्ट अच्छी बनती है। तो सर, ये डिश बनाते वक्त आप हाइजीन का कैसे ख्याल रखते हो? हम लोग डेली का फ्रेश चिकन लेते हैं और मैरिनेट करते समय हैंड ग्लव्स पहन के मैरिनेट करते हैं। सर, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स है, उनमें से कौन से ऐप पर आपकी ये डिश अवेलेबल है? अभी तो किसी पे प्रभाव नहीं, लेकिन जल्द ही शुरू करने वाले हैं। अच्छा, तो सर आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके स्टॉल की टाइमिंग क्या होती है? हमारा शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक फूड स्टॉल का टाइमिंग रहता है। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हाँ दोस्तों,
जाते जाते आपसे एक बात जरूर करना चाहता हूँ। कोविड-19 के बाद हमने हमारी जिंदगी का कुछ खास तरीके से ख्याल रखा, जैसे हमने हमारे शरीर के हाइजीन का ख्याल रखा है, वैसे हमारी आसपास की जगह साफ रखना ये भी हमारे ही जिम्मेदारी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आप जो भी खाएं, जहाँ भी खाएं, उसका रैपर हो या कचरा हो, वो इधर उधर मत फेंके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे डस्टबिन में ही फेंके, ताकि आगे चलकर हमें कोई और महामारी का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।